भाई गाड़ी तो ये भी देख ली, ये भी अच्छी लग रही है यार अपनी, तो देखते हैं आगे। इसका बेस मॉडल मिल नहीं रहा है, ये स्कॉर्पियो एन, ये पेट्रोल में देखते हैं अवेलेबिलिटी मिल जाए इसकी मॉडल जो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, माई नेम इज दिव्यांश, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो भाई अपना सुबह संडे है और निकल चुके हैं यार, बताया था आपको जैसे गाड़ी लेनी है नहीं तो गाड़ियाँ देखनी है, तो गाड़ी देखने के लिए निकल चुके हैं अपना भाई। 2 बज गए सुबह का प्लान था कि जल्दी निकलेंगे, 2-3 जगह जाना है, टेस्ट ड्राइव भी लेनी है, और ये भाई और मैं दोनों निकल चुके हैं। सोचा था यार जल्दी निकल के ना 3-4 जगह पे सब जगह निपटा लेंगे, अब पता नहीं अब लेट निकले कहाँ जा पाएंगे कहाँ नहीं जा पाएंगे, कौन सी पहले जो मेन है जो अपने टॉप पे रखी हुई हैं पहले वो देख लेते हैं, जो उनसे पसंद आएगी फिर एक दिन में अपना बुकिंग कराएंगे, देखते हैं क्या वेटिंग आएगी, क्या है उसका सीन पूरा। एक तो ना गाड़ी पर भाई लोग वेटिंग बहुत ज़्यादा है आजकल, तो वेटिंग का भी देखेंगे कि कितनी वेटिंग है, जितनी जल्दी मिल पाए उतनी जल्दी लेंगे। वैसे ये तो हमें जल्दी जितनी जल्दी मिल सकती है, जौन सी गाड़ी जल्दी मिलेगी वही लेंगे। चलते हैं एक बार आगे, दिखाते हैं आपको पहले कहाँ जाएंगे। तो भाई ये देखो जाम, जब घर से निकलो जब जाम लग ही जाता है कहीं ना कहीं, तो बाइक वालों को कैसे फंसा लेंगे। अरे यार यहीं पर जाम में खराब हो जाएगा टाइम, ये कोई बंदा बीच में गाड़ी करके रख के गया हुआ है, और अरे यार बैठ लेते हैं यार एक बार। तो भाई पहले जा रहे हैं अपना नेक्सा में, अपना कौन सी गाड़ी है शिमा पे, ग्रैंड विटारा, ग्रैंड विटारा ये वो देखने जा रहे हैं, पहले वो देख लेते हैं यार कि बजट के अंदर हो जाए वो भी, और बुकिंग कह रहे हैं उसमें है नहीं, इतनी भी कॉल किया था मैंने तो वो गाड़ी मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो उसके बाद हम जाएंगे हाई राइडर देखने एक बार। 2 और 3 ऑप्शन लिए हैं, क्रेटा, हाई राइडर, ग्रैंड विटारा। फर्स्ट नंबर पे है क्रेटा, सेकंड पे हाई राइडर, थर्ड पे ग्रैंड विटारा। तीनों में से जो गाड़ी पहले मिल गई उस गाड़ी को देखेंगे, उस गाड़ी की बुकिंग कराएंगे एक दिन में, देखते हैं कब तक मिल जाएगी। मैंने कॉल किया था SX एग्जीक्यूटिव, जो उसका टॉप से नीचे वाला मॉडल है वो तो अवेलेबल है सब जगह, बट जो SX मॉडल है ना उसमें अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, तो एक बार SX मॉडल भी मिल जाए तो बढ़िया है। चलते हैं एक बार आगे। तो भाई पहुंच गए अपना नेक्सा, गाड़ी पार्क कहाँ करें, ये नेक्सा पहुंच गए हैं और गाड़ी की पार्किंग, ग्रैंड विटारा की डिलीवरी भी हो रही है यहाँ, तो 1 मिनट यहाँ पे लगा देते हैं गाड़ी, गाड़ी पार्क करते हैं एक बार जगह है जो लगा। तो भाई पहुंच गया अपना नेक्सा, गाड़ी पार्क कर दी है और एक बार देखते हैं। आप ऐसा करो यहाँ लगा दो, चलते हैं भाई। ये देखो ये है ग्रैंड विटारा, इसकी डिलीवरी भी हो रही है आज गाड़ी की, बढ़िया लग रही है एकदम। ये है जेटा मॉडल, इसी का देखना है एक बार हमने, जेटा मॉडल है, गाड़ी तो बढ़िया लग रही है एकदम यार। चलो वो बात करते हैं गाड़ी की। तो ये देखो ये गाड़ी अपने ग्रैंड विटारा टॉप मॉडल, गाड़ी तो एकदम बहुत बढ़िया लग रही है यार, क्रेटा से तो काफ़ी अच्छी लग रही है, ये टॉप मॉडल है, ये 20-22 लाख रुपए कॉस्टिंग करता है। देखते हैं गाड़ी को पूरा चेक करते हैं, इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है इसका, पहले मारुति से बहुत बढ़िया कर दिया इंटीरियर भी, और इसकी सनरूफ पैरानोमिक बढ़िया लग रही है गाड़ी तो काफ़ी। करते हैं बस चेक करते हैं गाड़ी। तो भाई अपना टेस्ट ड्राइव, से मोड़ लियो, सही है गाड़ी तो ये भी यार, पर इसका कोटेशन ले दिया ना, जेटा है, अल्फा है, अल्फा है, हम जेटा का देख रहे हैं, सनरूफ नहीं आएगा जेटा में। इसकी टेस्ट ड्राइव ले लिया, ये गाड़ी की लुक है, गाड़ी तो बढ़िया लग रही है यार, बट एक ही डिफरेंस है जो हमें चाहिए, सनरूफ मिल जाए, और एवरेज भी इसकी अच्छी है, कंपनी क्लेम कर रही है 22 की, मान लो 17-18 तो मिल ही जाएगी इसकी एवरेज। चलते एक आध गाड़ी और है वो भी देखते हैं एक बार,
तो भाई अपनी ग्रैंड विटारा तो देख ली है और ये इसकी प्राइस लिस्ट है। जो हमने मॉडल लेना है वो जेटा, वो पड़ेगा 16-25 का। और एक फर्क है बस दोनों में, अल्फा और जेटा में, वो है सनरूफ का। तो सनरूफ के लिए हमें सिर्फ 1,75,000 रुपये सनरूफ के देने पड़ेंगे। अब एक बार चल रहे हैं आगे, महिंद्रा चल रहे हैं। महिंद्रा में एक बार स्कॉर्पियो एन देखते हैं, पेट्रोल में वो भी चलते हैं एक बार स्कॉर्पियो एन देखने, वो देखते हैं दिखाते हैं आपको स्कॉर्पियो एन। और एक बार क्रेटा देख रहे हैं, सेल्टॉस का मन नहीं है, कह रहे हैं रीसेल अच्छी नहीं है उसकी, तो चलते हैं एक बार आगे। तो भाई ग्रैंड विटारा में पहले हम शोरूम में एंट्री की, तो मैम ने पूछा क्या कौन सी गाड़ी लेनी है, वो बताया उन्हें, तो कहती कि यहाँ पे अभी आप वीडियो, हमें मतलब किसी बंदे को अपॉइंट ही नहीं किया, कह रही कि ये तो यूट्यूबर जाए, मतलब गाड़ी नहीं दिखाई। फिर हमने बताया नहीं हमें रियली में गाड़ी लेनी है, उसके बाद जाके उन्होंने गाड़ी वाड़ी दिखाई हमें और टेस्ट ड्राइव भी ली। टेस्ट ड्राइव में भी सही है गाड़ी, पर गाड़ी में जो गाड़ी की हाइट अंदर बंदा बैठा हो ना, कोई लंबा बैठ जाए, स्पेस नहीं है उसमें बिल्कुल भी ना, मतलब अगर 6-6.5 फुट का बंदा बैठ गया ना तो सर अड़ेगा ही अड़ेगा उस गाड़ी में। 5-11 वाले बैठ रहे हाँ, एक इसका भी बैठ रहा था 5-11 वाले का। तो एक बार चलते हैं आगे, एक बार स्कॉर्पियो एन देखते हैं, क्रेटा देखेंगे और एक गाड़ी और कौन सी, हाई राइडर तो सेम ही होगी फिर दोनों का, फर्क है नहीं। स्कॉर्पियो एन देखे हमें पेट्रोल में देखे, तो वो देखते हैं। तो भाई आ चुके हैं हम, महिंद्रा आ चुके हैं और ये स्कॉर्पियो क्लासिक है, तो लेनी नहीं हमने क्योंकि डीजल में आती है। ये स्कॉर्पियो एन, ये पेट्रोल में देखते हैं अवेलेबिलिटी मिल जाए इसकी, मॉडल जो बजट में आ जाए कौन सा आता। गाड़ी तो सही लग रही है काफ़ी भाई, गाड़ी तो ये भी देख ली, ये भी अच्छी लग रही है यार अपनी, देखते हैं आगे। इसका बेस मॉडल मिल नहीं रहा है भाई। महिंद्रा के शोरूम से निकल गए हैं और हमने देखी स्कॉर्पियो Z4 देखी और आपके कौन सी XUV700O, हमने AX3 MXM मॉडल देखे, बट दोनों में से कोई मॉडल अवेलेबल है ही नहीं। Z4 अवेलेबल है, Z8 मिल रहा है, सबके दोनों के टॉप मॉडल ही आ रहे हैं। जो मॉडल मिल रहे हैं हमें नीचे की चाहिए वो सिर्फ रेड कलर में मिल रहे हैं, कोई मॉडल ही नहीं है। बजट के अंदर ही Z4 आ रहा है और AX3 AX5 आ रहा है, यानी वो भी 16-17 के आसपास का पड़ रहा है। देखते हैं एक दूसरे का और ट्राई करते हैं महिंद्रा के, अगर Z4 की भी टेस्ट है अभी, Z4 ही बहुत बढ़िया, Z4 की नहीं हमने Z8 की टॉप मॉडल की ऑटोमेटिक की ली, मतलब पिकअप वगैरह बहुत तगड़ी, ऊंची भी काफ़ी है, मतलब ये तो सभी बच्ची लग रही थी ग्रैंड विटारा वगैरह। चलते हैं एक बार, इसी का मन कर रहा है अब तो, पापा को जाके दिखाते हैं क्या कहते हैं, कि उनको भी गाड़ी दिखा देंगे, बट टेस्ट ड्राइव के लिए मंगा लेंगे, बताते हैं आपको आगे। भाई यार सारा मूड ख़राब हो गया, जो गाड़ी चाहिए वो मिल नहीं रही और जो नहीं चाहिए वो मिल रही है, सबके टॉप मॉडल की कॉस्टिंग पता कितनी आ रही है, टॉप मॉडल की कॉस्टिंग आ रही है भाई 27 लाख रुपये। 27 लाख रुपये इन ऐसे, मतलब टॉप मॉडल में ज़्यादा कुछ फीचर मेरे को लग भी नहीं रहे, ये है बस ये है कि फुद्दू बनाने के लिए बंदे को कि हाँ टॉप ही ले बंदा, बेस की तरफ जाए ना तो बेस मॉडल ही नहीं आ रहे हैं। अब एक दो जगह मैंने बात किया है, इधर ले, एक दो जगह बात किया है कोई अवेलेबल करा दे कहीं से यार, Z4 करा दे, X3 करा दे, X5 करा दे, तो देखते हैं। पर गाड़ियाँ दोनों महिंद्रा की अच्छी थी, ऊँची थी, क्रेटा और ग्रैंड विटारा से काफ़ी ऊँची गाड़ियाँ हैं, तो मेरे को वही सही लग रही है गाड़ियाँ। तो एक बार यार चलते हैं नेक्स्ट संडे या फिर एक आध दिन में पापा को दिखाते हैं गाड़ी, जब तक तो ये वाली गाड़ी तो चली जाएगी, मिल तो जाएगी टॉप मॉडल है, पर वेटिंग है, एक एक साल की वेटिंग है यार, एक एक साल कौन रुकता है गाड़ी के लिए, कौन बिना गाड़ी के रह लगे एक साल तक। तो चलते हैं भाई, अब छोटी गाड़ी तो कोई देखने का मन नहीं कर रहा यार, नींद होने लग गई अब तो। चलो यार एक बार, अब एक बार कौन सी क्रेटा देखने क्या है, क्रेटा तो अवेलेबल भी है, सब कुछ है, देखने का मन ही नहीं कर रहा। और टेस्ट ड्राइव पे हमने मंगाई भी थी एक बार घर पे, बट पापा के लिए ना एक बार ये Z4 दोबारा मंगा लेंगे, Z4 एक बार घर पे, Z4 क्या जो भी स्कॉर्पियो एन है ये घर पे एक बार या मंगा लेंगे टेस्ट ड्राइव के लिए, उनको टेस्ट ड्राइव कराएं, अगर उनको पसंद हो कहीं से प्रीमियम पे आके ऐसे मिल जाती है तो देखते हैं। वैसे एक दूसरे मैंने कॉल किया, कह रहे हम बात करके बताते हैं, मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया, ये तो देखो लेनी पड़ेगी या फिर कोई ग्रैंड विटारा, मिलते हैं आगे एक बार। चल रहे हैं अभी तो घर चल रहे हैं, कुछ खाने का देख लेते हैं, बहुत भूख लग रही है यार सुबह से घूमते घूमते। तो भाई अपना घर पर आ गए थे और आके अपना सो गए थे और सो के अब भाई थोड़ी देर उठ गए हैं और भाई गाड़ी वाड़ी पता की थी अपनी महिंद्रा वाली Z4 स्कॉर्पियो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, वो तो अभी कह रहे हैं कि मैनुफैक्चरिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है, और आपका XUV700O पता की MX अवेलेबल है, पापा ने मना कर दिया कि भैया वो नहीं। तो अगले ब्लॉग में आपको पता लग जाएगा भाई कौन सी गाड़ी बुक कर रहे हैं, बुकिंग हो जाएगी, अगले ब्लॉग में आपको दिख जाएगा कौन सी गाड़ी बुक की है।
और ये व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू।